बिस्मिल्लाह रहमान रहीम याकन आबुद वैयाकन अस्ताहीन। पुरमन एहतजाज को सबताज करने, इंतशार की साजिश करने और झूठे प्रोपेगेंडे की हुकूमती कोशिशों के हवाले से मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ। पुरमन एहतजाज का हक आईन देता है। इमरान खान साहब की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजीर आला अली अमीन गंडापुर की क्यादत में डी चौक में एहतजाज कर रही है। इकतदार पर नाजायज काबिज मैंडेट चोर सरकार पुरमन एहतजाज को तशद्दुद और इंतशार की भेंट चढ़ाना और इसे सबोताज करने में लगी हुई है। पूरे मुल्क खसूसन दारुल हुकूमत के गिर्दो नवा में खौफो हिरास फैलाया गया है। जुड़वा शहरों को जबरन बंद करके कर्फ्यू का समा पैदा कर दिया गया। गिरफ्तारियों, छापों, धमकियों और डराने धमकाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस्लामाबाद और गिर्दो नवा के शहरियों में बसने वालों को नकलो हरकत के बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया है। 9 मई के मंसूबा साज एहतजाज को तशद्दुद में बदलने के लिए हर मुमकिन चालें चलने में मसरूफ हैं। मैंडेट चोर काबीना के वजीर अपनी खाल बचाने के लिए एक जानब झूठ फैला रहे हैं तो दूसरी जानब अवाम को धमकाने और पुरमन एहतजाज की सफों में शरपसंद दाखिल करने और उन्हें पुलिस और एजेंसीज की सरपरस्ती फराहम करने में मसरूफ है। आईन, कानून, जमहूरियत, मईशत को जिंदा दरगोर करके अवाम से जिंदा रहने का हक छीनने वाले अवामी शऊर से खौफजदा हो चुके हैं। माजी में यह ग्रोह इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस समेत अहम आलमी इजलासों के इनकाद को सुबताज करते रहे हैं। पाकिस्तान को खारजी और सफारती तन्हाई का शिकार करने वाले अपनी अवाम को ताकत से गुलाम बनाने की कोशिशें करने में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर की तरह आज भी सरकार की पूरी कोशिश है कि नंगे रियासी जबर से आग और खून का घिनौना खेल खेला जाए और किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेके कौम और तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपने नापाक अजायम की तकमील के असबाब पैदा किए जाए। तहरीक इंसाफ, पुरमन, इसके कारकुनान और अवाम आईन और कानून के दायरे में रह के एहतजाज का अपना हक इस्तेमाल करेंगे। टाउट वजीर दाखला बड़के मारने, शरपसंदों को शरंगेजी पर उभारने और झूठ फैलाने की बजाय रास्ते खोलें, यह आपका काम है। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी सरकार और रियासती मशीनरी पर आयद होती है। एक भी कारकुन को कुछ हुआ या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया तो जिम्मेदार वजीर आजम और इसके मुजरिम वजीर होंगे। कारकुन किसी इंतशार और इश्तियाल का शिकार हुए बगैर आगे बढ़े और अपनी सफों में रियासती शरपसंदों की मुमकिन दरअंदाजियों पर कड़ी निगाह रखें। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद की जानिब से जुल्म व ज्यादती के बावजूद इनसे उलझने से गरेज करें। सब्र व ज़ब्त का दामन मजबूती से थामते हुए डी चौक जरूर पहुंचे। मैं सिर्फ आप दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपके दोस्त हजारा मोटरवे से आते हुए बुरहान पहुंच चुके हैं और पुलिस शदीद शेलिंग कर रही है। अली अमीन साहब भी कुछ देर में वहां बुरहान पहुंच जाएंगे। मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि अपनी सफों में किसी शरपसंद को, किसी शरंगेज को, किसी टाउट को, किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाले को मत शामिल होने दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करें कि आप जो है शरारत से भी दूर रहें, शरारतियों से भी दूर रहें। ये पुरमन एहतजाज है और आप अपना हौसला और सब्र जो है वो सारी दुनिया को दिखाएं कि आप इस हुकूमत की मशीनरी के खिलाफ किस तरीके से खड़े हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।